एवरीवन, मैं हूं आपका ईओटी एजुकेटर यूसुफ खान। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 क्लास 7 लाइंस एंड एंगल्स। ओके, लाइंस और उसके एंगल्स हम पढ़ने वाले। ठीक है, तो वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं। राइट एंगल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल। ठीक है, ये सब हमने पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इनका जो है एक कॉम्बिनेशन बनाया है लाइंस और उसके एंगल्स के ऊपर एक बेस्ड एक चैप्टर है। सो देखते हैं क्या ये। सबसे पहले बात करूंगा मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है? देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सम ऑफ द टू एंगल्स विल बी 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, सम ऑफ द टू एंगल विल बी 90 विल बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि कोई भी एक एंगल ले लेते हम, यानी कि एक्स क्या हो रही है, एक्स प्लस वाई विल बी 90। ओके, एक्स प्लस वाई विल बी 90। ठीक है, एक्स प्लस वाई विल बी 90। जैसे कि एक राइट एंगल बनाते हैं, तो राइट एंगल में इसका, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है, ए बी सी और ये, तो एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी विल बी 90 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं क्या है, आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, इफ द सम ऑफ द टू एंगल्स विल बी 90 डिग्री देन वी कैन से दैट दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, उसके बाद है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है? देखो, सप्लीमेंट्री कुछ नहीं है, सम ऑफ द टू एंगल्स विल बी 180 डिग्री। ठीक है, दो एंगल का सम 180 होना चाहिए, तो वो सप्लीमेंट्री है। सम ऑफ टू एंगल्स will be 180 degree is called supplementary angles. Yes, ठीक है, जैसे कि एक एंगल लेते हैं, ठीक है, ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, इसको x ले लो आप, इसको y ले लो, तो यहां पे एक एक ट्रांसवर्सल है और एक लाइन है। तो ट्रांसवर्सल जो है एक लाइन को कट कर रही है एट द पॉइंट ओ पे। ओके, तो आपको बताना है कि एक्स प्लस वाई वो 180 होना चाहिए, बराबर है? तो ये क्या हो गया आपका, और आप ये देखो, ये पूरा एक्सिस कितना है, हाफ है, मतलब सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल का जो मेजर होता है कितना होता है, 180। अगर इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो कितना हो गया, 360 डिग्री। ठीक है, चलो इसके ऊपर बेस्ड एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, 5.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ each of the following angles। देखो, तो यहां पर मैं एक फिगर है, यहाँ पे तीन फिगर से इनको ड्रॉ कर लेते सबसे पहले। ठीक है, क्या हो रही है, ठीक है, सो यहाँ पे हो गया का 20, 60,
63 है और ये 57 डिग्री है, ठीक। तो कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपको, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल क्या होता है? आपको 90 में से जो गिवन एंगल है वो माइनस करना है। जो आपको एंगल दिया है उसको आप 90 में से माइनस कर दो तो आपका कॉम्प्लीमेंट एंगल निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ देखो, फर्स्ट केस में ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, यस। तो यहाँ देखो आपका फर्स्ट केस में क्या दिया है, 20 दिया है। सो यहाँ ले लेते हैं फर्स्ट, 90 माइनस एंगल कितना गिवन है, 20 है। तो 90 माइनस 20 विल बी 70 डिग्री, बराबर है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल विल बी 70 डिग्री। नेक्स्ट केस क्या है, क्वेश्चन नंबर टू। तो 90 माइनस व्हाट इज द गिवन एंगल, 63 डिग्री है। तो कितना हो गया, 7 हो गया और ये हो गया 2, 27 डिग्री हो गया। उसके बाद थर्ड क्या है, 57 डिग्री है। तो आप सीधा क्या करो, 90 माइनस गिवन एंगल 57 डिग्री दिया है, ये हो गया 3। कितना हो गया ये, 8 में से 3 गए, 5 गए 3, 33 डिग्री। ओके, तो 70 डिग्री, 27 डिग्री एंड 33 डिग्री, ये हो गया आपके कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल्स। इसके बाद है अपना क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन टू, सप्लीमेंट ऑफ एंगल्स, सप्लीमेंट ऑफ एंगल्स, बराबर है। देखो क्या दिया है यहाँ पे, एंगल दिया है, एक एंगल ये दिया है और एक एंगल ऐसा कुछ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया 105 डिग्री, ठीक है, ये हो गया अपना 87 डिग्री, ये हो गया आपका 154 डिग्री, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओके, सॉल्यूशन फर्स्ट। तो आपको निकालना है सप्लीमेंट, जैसे कॉम्प्लीमेंट में 90 से माइनस करना था, ऐसे ही सप्लीमेंट में आपको 180 से माइनस करना है। तो सप्लीमेंट ऑफ एंगल्स क्या करना है आपको, 180 माइनस गिवन एंगल, 180 माइनस गिवन एंगल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, 180 माइनस एंगल क्या गिवन है आपको, 105 डिग्री है। तो 105 माइनस कर दो आप, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 75 डिग्री, यस। तो सेकंड वन, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री में कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालने के लिए आपको कॉम्प्लीमेंट्री का एंगल यानी 90 से माइनस करना है, ऐसे कि सप्लीमेंट्री में आपको 180 से माइनस करके आपको सप्लीमेंट एंगल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट केस 87 डिग्री है, तो आप यहाँ सिंपली लिखो 180 माइनस 87 विल बी 3, 9 2 7 2 9, 93 डिग्री, ओके। थर्ड क्या हो जाएगा, 180 माइनस 154 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 26 डिग्री, बराबर है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स, pair of angles are complementary and which are supplementary, are complementary and supplementary। तो कौन सा complementary और कौन सा supplementary आपको चेक करना है, तो आपको याद रखना है complementary मतलब दो एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए और supplementary के एंगल मतलब दो एंगल का सम 180 होना चाहिए, बस यही है। तो पहला है 63 डिग्री कॉमा 115 डिग्री है, सेकंड क्या है 63 डिग्री है कॉमा 27 डिग्री है, थर्ड क्या है 112 डिग्री कॉमा 68 डिग्री है, फोर्थ क्या है 130 है और 150 है। यहाँ पे फोर क्वेश्चन है हमारे पास, उनको देखते हैं।
तो फर्स्ट केस 63 आपको ऐड करना है सिंपली, 63 प्लस 115 कितना हो रहा है, ये हो गया 9, ये हो गया 7 और ये हो गया 2, 279 डिग्री। नहीं एक मिनट, गलती हो गई है, तो एक सेकेंड, 8 हो गया और ये हो गया आपका 7 और 65 है आई थिंक, यस ये जो है ये 65 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 180 डिग्री, यस 180 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री है तो ये कैसा है, सप्लीमेंट्री एंगल है, बराबर है 180 डिग्री आ रहा है इनका सम। सेकंड केस क्या है देखो, 63 प्लस 27, 63 प्लस 27 ये होगा 10 और ये होगा 9, 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, ओके। थर्ड केस क्या है, 112 और 68, तो कितना हो गया ये 10 और ये 8 और ये 1, 180 हो गया, मतलब ये सप्लीमेंट्री हो गया, ओके सप्लीमेंट्री। एंड फोर्थ वन, 130 और 150 दिया आपको, 130 प्लस 50 विल बी 180, ये क्या हो गया आपका सप्लीमेंट्री हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे हमको निकालना था सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, सम ऑफ टू एंगल्स विल बी 90 एंड सप्लीमेंट्री सम ऑफ टू एंगल्स विल बी 180 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू थ्री है, क्वेश्चन नंबर थ्री हो गया है, क्वेश्चन नंबर फोर है, ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ऐसा एंगल निकालना है आपको जो इसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो, जैसे कि ठीक है, मान लेते हम लेट द एंगल, लेट द टू एंगल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट बी एक्स, दो एंगल कॉम्प्लीमेंट के हम एक्स मान लेते हैं, तो इन दोनों का जो सम कितना है 90 है, तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा आपका 2x विल बी 90, तो x विल बी 90 बाय 2, तो x विल बी कितना हो गया 45 डिग्री, बराबर x विल बी कितना हो गया 45 डिग्री हो गया, यानी एक एंगल 45 दूसरा एंगल भी कितना होगा 45 होगा, दोनों एंगल कैसे इक्वल है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू सप्लीमेंट, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, फाइंड द एंगल which is equal to supplement, ठीक है। देखो सप्लीमेंट में हम मान लेते हैं, लेट द सप्लीमेंट एंगल बी एक्स बी एक्स एक्स मान लेते हैं, और दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा, तो x plus x 2x will be 180, therefore x will be 180 by 2, तो x will be 90 degree, बराबर है, x कितना हो गया हमारा 90 degree हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, कैन द टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री, कैन द टू एंगल्स
बी सप्लीमेंट्री एंड द टू एंगल बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर फर्स्ट केस है आपका एक्यूट एंगल, सेकेंड केस है ऑब्ट्यूज और थर्ड केस है राइट एंगल. ठीक है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है और राइट है, आपको बताना है. ठीक है, क्या दो एंगल, कैन द टू एंगल्स बी सप्लीमेंट बाय बोथ ऑफ देम आर एक्यूट, क्या दो एक्यूट को ऐड करने के बाद सप्लीमेंट मिलेगा, क्या दो ऑब्ट्यूज को ऐड करने के बाद सप्लीमेंट मिलेगा, क्या दो राइट एंगल को ऐड करने के बाद सप्लीमेंट मिलेगा. तो लेट्स सी क्या है इन तीनों केस में. दो एक्यूट क्या होता है, एक्यूट क्या होते हैं 90 से छोटे वाले टर्म्स होते हैं, बराबर है. तो नो बिकॉज, क्यों नहीं होगा ये, बिकॉज सम ऑफ टू एक्यूट एंगल इज लेस देन 180, सम ऑफ टू एंगल्स नो सम ऑफ टू एंगल्स विल बी लेस देन 180, बराबर है. 180 से छोटे होंगे ये एंगल्स. उसके बाद आ रहा है ऑब्ट्यूज, तो ये बड़े हो जाएंगे 180 से. यस नो बिकॉज सम ऑफ टू एंगल्स ग्रेटर देन 180 डिग्री. और थर्ड केस एक्यूट राइट एंगल. यस, तो राइट एंगल में क्या होगा, यस सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री, बराबर है. तो सम ऑफ टू एंगल्स विल बी सप्लीमेंट होगा 180 होगा, सिर्फ राइट एंगल केस में, क्योंकि राइट एंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके दो एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं, बराबर है. ये दोनों एंगल का सम कितना है 180 है. क्वेश्चन नंबर 7. एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल complementary angles greater than 45 degree or equal to 45 degree or less than 45 degree. आपको बताना है कि एक acute angle है जो greater than 45 degree है, बराबर है. तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 से बड़ा होगा, इक्वल होगा या कम होगा, आपको बताना है. तो देखते हैं. तो एक एंगल जो है 45 से बड़ा है, तो मान लेता हूं लेट द एंगल बी एक्स. हम मान लेता हूं एंगल एक्स है. अब जो एक्स है वो ग्रेटर देन है आपका 45 से, यानी एक्स जो है 45 से बड़ा है, बराबर है. अब यहां पर क्या है, आपको दिया है कि adding both y on both side, add y on both side. देखो तो यह हो जाएगा आपका x plus y is greater than 45 plus y. Yes. So अब यहां पर देखो x plus y तो दो एंगल का सम कितना होगा, यहाँ पे 90 होगा, will be 45 plus y. 45 को शिफ्ट करो तो 90 माइनस 45 इक्वल्स टू y, तो y ये हो जाएगा आपका 45 इज ग्रेटर देन y, तो एंगल विल बी ग्रेटर देन क्या 45 डिग्री, यानी 45 से लेस है क्योंकि y जो है वो छोटा है और 45 जो है वो बड़ा है.
तो हम यहां सकते हैं दस इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल लेस देन 45 डिग्री. ठीक है. सो क्लास क्वेश्चन नंबर 9 इन द एडजॉइनिंग फिगर. यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए, टोटल 6 क्वेश्चंस है और एक फिगर दिया है. एक फिगर से आपको जो है 6 क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं. तो देखो पहला क्वेश्चन, मैं सारे क्वेश्चन एक साथ लिख लेता हूँ, फिर सारे को आंसर्स हम एक साथ लिखेंगे. इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इज एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE. थर्ड वन, डू एंगल COE एंड एंगल EOD फॉर्म द लीनियर पेयर. Linear pair. Third, fourth one. R BOD and angle DOA. Supplementary angles. ठीक है. Fifth one is angle 1. Vertically opposite to angle 4. Vertically opposite to angle 4. But last is 6th question. What is the vertically opposite? What is vertically opposite to angle 5? ठीक है. तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते क्या है और फिर एक एक आंसर करेंगे. ठीक है. One, two, three, four, and five. A, C, E, B, or one D. ये हो गया आपका A, B, C. Sorry, A, B. एक मिनट, यहाँ पे हमको जो दिए वैसे पे ये है बी है और ये सी और ये डी है. सॉरी ये सी और डी होगा और ये लास्ट वाला पॉइंट जो है वो ई है. ठीक है. तो देखो एक एक क्वेश्चन देखो. ओके क्या लिखा है पे फर्स्ट क्वेश्चन. इज द एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2. एंगल 1 इज एंगल 2 एडजेसेंट पेयर है दोनों भी. तो यस बिल्कुल एडजेसेंट है, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका यस. एंगल कौन सा एंगल ए, और जो बीच में पॉइंट है आपका ओ, तो ए ओ सी एंगल ए ओ सी एडजेसेंट टू एंगल कौन सा एंगल सी ओ ई. सी ओ ई यस. सेकंड वाला, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है. Is AOC adjacent of AOE, AOC or AOE? नहीं, adjacent नहीं है. ठीक है, AOC is not adjacent. ठीक है, no no answer आएगा इसका. ठीक है, adjacent नहीं वो. They have the non common opposite arms of the common arm. ठीक है. उसके बाद है third one. Third क्या लिखा है? COE EOD. कहाँ है COE? और DOE, COE और DOE ये बोल रहा है कि ये
लीनियर पेयर है, इज दिस लीनियर पेयर, यस इट इज फॉर्म द लीनियर पेयर, यस इट फॉर्म लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, देखिए जैसे कि अब यहाँ से ये है तो ये पूरा जो फॉर्म है, जैसे कि x मान लो ये y मान लो, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री होगा, तो x प्लस वाई विल बी 180 डिग्री, इट इज कॉल्ड अ लीनियर पेयर, मतलब स्ट्रेट एंगल। ओके ठीक है, फिर फोर्थ क्या है, फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, आर द बी ओ डी एंड डी ओ ए, तो कहा है बी ओ डी एंड डी ओ ए, डी ओ ए आर सप्लीमेंट्री, बिल्कुल ठीक है, यस इट इज सप्लीमेंट्री। ठीक है, उसके बाद है फिफ्थ वन, फिफ्थ क्या दिया है आपको, एंगल वन अपोजिट है आपका, वर्टिकली अपोजिट है एंगल फोर का, तो वन और फोर बिल्कुल अपोजिट है, यस इट इज वर्टिकली अपोजिट। ओके वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको, ये जैसे कि ये एंगल है तो ये वाला एंगल के साथ क्या है आपका वर्टिकली अपोजिट है, ऐसा वाला ये एंगल जो है ये एंगल के साथ वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे, व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट ऑफ एंगल वन, तो एंगल वन का, एंगल वन नहीं एंगल फाइव है, तो एंगल फाइव का वर्टिकली अपोजिट कौन सा है, ये देखो एंगल टू है, तो एंगल टू इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल फाइव इज इक्वल टू एंगल टू। नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नाइन क्या लिखा है, इंडिकेट विच पेयर एंगल्स आर, इंडिकेट विच पेयर एंगल्स आर, ठीक है, फर्स्ट है आपका कि आपको बताना है कि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और दूसरा बताना है आपको कि लीनियर पेयर कौन से है, ठीक है लीनियर पेयर, तो पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ऐसा कुछ फिगर है, ये हो गया एक दो तीन चार और ये पांच पॉइंट, वन टू थ्री फोर और ये फाइव, तो यहाँ पे बोला है कि वर्टिकली आपको अपोजिट्स बताने हैं, तो आप यहाँ देखो ये वाला एंगल ये वाला वर्टिकली और ये वाला और ये वाला वर्टिकली, यानी फाइव और थ्री, ठीक है, यानी हम बता सकते हैं कि फर्स्ट वाला जो आंसर है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से है, एंगल फाइव इक्वल्स टू एंगल थ्री है, और एंगल फोर इक्वल्स टू एंगल वन है, एंगल फोर इक्वल्स टू एंगल वन है, बराबर है सेकेंड वाला आंसर। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर कौन से है, मतलब जो है आपको 180 डिग्री फॉर्म करते हैं, तो यहां देखो एंगल 5 और एंगल 1, ठीक है एंगल 5 एंड एंगल 1 जो है लीनियर पेयर है, और सेकेंड वाला कौन सा है 1 2 एंड 3, एंगल 1 एंगल 2 एंड एंगल 3 है, बराबर है, और कौन से एंगल है 2 फोर और थ्री है, टू फोर और थ्री, तो एंगल टू एंगल फोर एंगल थ्री आर द लीनियर पेयर्स। ओके एक मिनट, ये तीन एंगल्स नहीं होंगे, तीन एंगल्स नहीं होंगे, सिर्फ टू एंगल्स होंगे, ठीक है टू एंगल्स कौन से, देखो यहां पर 180 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो आप ये देखो कि 180 डिग्री तो यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, तो एंगल 5 प्लस एंगल 4 यानी एंगल 5 एंड एंगल 4, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन 10 क्या लिखा है यहाँ पे,
इन द फॉलोइंग फिगर, एंगल वन इज एडजेसेंट टू एंगल टू, ठीक है? तो देखो ये हो गया अपना वन, ये हो गया टू, तो एंगल वन इज नॉट एडजेसेंट। क्या वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एंगल वन और एंगल टू एडजेसेंट एंगल से? क्या नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगल वन एंड एंगल टू आर नॉट एडजेसेंट, एंगल्स क्यों नहीं है? क्योंकि देयर वर्टेक्स इज नॉट कॉमन, ठीक है? वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए एडजेसेंट एंगल्स के लिए, पर इसका वर्टेक्स क्या है? कॉमन नहीं है, वर्टेक्स इज नॉट कॉमन। तो वर्टेक्स कॉमन नहीं होने की वजह से ये एडजेसेंट एंगल नहीं है, ठीक है? इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y and z। पहले डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, पेन चेंज करते हैं। ये है y, ये है आपका x, ये है आपका z, और ये है आपका 55 डिग्री, बराबर है फर्स्ट वाला, ओके। तो आप ये देखो कि यहाँ पे 55 और z, 55 प्लस z क्या होगा आपका? 180 होगा। क्यों? लीनियर पेयर। क्या होगा आपका? लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर में क्या होता है? दो एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? z विल बी 180 माइनस 55। नाउ तो z विल बी कितना हो गया? ये 5, 125 डिग्री, 125 डिग्री, ठीक है, 125। उसके बाद है हमारा z मिल गया आपको, तो आपको ये भी मिल जाएगा, यानी x प्लस z, x प्लस z वो होगा आपका 180 डिग्री, उसमें से जो x है और उसमें z है आपका 125 डिग्री इक्वल्स टू 180। Now x will be 180 minus 125, तो x will be कितना हो जाएंगे आपका? 55 डिग्री हो जाएगा, ठीक है? तो x मिल गया हमको। अब यहाँ देखो आप, जो z है वही y है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है, यानी एंगल y equal to एंगल z है, एंगल y equal to एंगल z है, therefore एंगल y क्या हो जाएगा आपका? z कितना है? 125, तो y भी कितना हो जाएगा? 125 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन टू, ओके। तो यहां पर आपको फिगर दिया है, हो जाएगा 40, x 25, y और ये हो गया आपका z, ठीक है? तो आपको x, y, z की वैल्यू बताना है, तो देखें देखो, अब ये वाला जो पार्ट है, आप ये देखो, ये वाला पार्ट y प्लस z कितना आपका? 180 है, और ये 40 प्लस x प्लस 20, यानी ये वाला जो पार्ट है पूरा 180, लीनियर पेयर है, यानी 40 प्लस x प्लस 25 इक्वल्स टू 180,
तो 40 प्लस 25 मतलब 65 प्लस x इक्वल्स टू 180. नाउ x विल बी 180 माइनस 65, तो x कितना हो जाएगा आपका 5, 7 में से 1 115 डिग्री. ओके, तो x कितना हो गया आपका 115 डिग्री हो गया. तो आपका x निकल गया. तो अब यहां देखो आप, ये वाला जो पार्ट है वो भी 180 है, यानी 40 प्लस y, 40 प्लस y वो भी 180 है. नाउ 40 विल बी 180 माइनस 40, तो y विल बी कितना होगा आपका 140 डिग्री. ओके, नेक्स्ट केस क्या है आपका 40. उसके बाद आपका ये देखो कि ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, x तो मिल गया हमको, यानी y प्लस z कितना है 180 है. तो y प्लस z कितना आपका 180 है, उसमें 140 प्लस z इक्वल्स टू 180. नाउ द z विल बी 180 माइनस 140, तो z कितना हो गया 40 हो गया. ठीक है, यानी आपको बार बार जो है लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल का यूज करना है. लीनियर पेयर एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल याद रखो, ठीक है, उससे आपका आंसर आ जाएगा. इसके बाद क्या है आपका क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है. तो क्वेश्चन नंबर 12, फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, देखते फर्स्ट क्वेश्चन. इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, देन द सम ऑफ देयर मेजर इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट देन देयर सम ऑफ मेजर क्या होगा इसका आंसर. ठीक है, पहले सारे क्वेश्चन एक साथ एक लिख लेते हैं, फिर एक साथ आंसर करेंगे. इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट then the sum of their measure okay. Third one, two angles forming the linear pair ठीक है. फोर्थ, टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री they form a dash. ठीक है, so four questions से देखते हैं इनको क्या है answers. If the two angles are complementary, then their sum of the measure will be 90 degree. पता है आपको complementary angles क्या होते हैं? दो angle का sum 90 degree होता है. ऐसे supplementary में क्या होता है? दो angle के sum कितना होता है? 180 degree होता है. Two angles forming the linear pair. तो लीनियर पेयर क्या होता है? अब ये एक एंगल है, तो ये लीनियर पेयर ये वाला एंगल होगा. तो इसमें एक एक्स है और दूसरा वाई, तो एक्स प्लस वाई कितना हो गया 180 डिग्री. ठीक है, मतलब 180 डिग्री मतलब, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि वो क्या है आपके सप्लीमेंट्री है. ठीक है, नेक्स्ट केस क्या है आपका. इफ टू एंगल एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म द, दो एडजेस एंगल जो है सप्लीमेंट्री है, दे फॉर्म द लीनियर पेयर. सप्लीमेंट्री लीनियर पेयर, लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री, बात एक ही है.
इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.2, ठीक है, कुछ एंगल्स है इस पे, एंगल्स याद रखने आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज। इसमें हम एंगल्स जो है वो जानने वाले हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, ऑल्टरनेट क्या होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। स्टेट द प्रॉपर्टी स्टेट द प्रॉपर्टी फर्स्ट आपको दिया है A parallel to B, then angle 1 equals to angle 5 है, ठीक है। सेकेंड केस आपका क्या दिया है, angle 4 equals to angle 6, then A parallels to B है। थर्ड केस कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 जो है वो एक प्लस 180 डिग्री है, then A parallel to B है, ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो पहले जो डायग्राम है वो ड्रॉ कर लेते हैं। क्या है ये डायग्राम, टू लाइन, यहाँ पे टू लाइन्स है, एक दो तीन चार, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और ये दिया आपको A और ये दिया आपको B, तो A और B क्या पैरेलल है, और ये जो है आपका जो लाइन है, ये जो दो लाइन है वो ट्रांसवर्सल है, ये दो ट्रांसवर्सल है उन पैरेलल लाइंस के, ओके, यानी इन दो पैरेलल लाइंस को ये दो लाइंस क्या कर रही है, काट रही है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है, फिर काट रही है, ठीक है। तो आपको कुछ क्वेश्चन दिया है, तो इन क्वेश्चंस का आंसर करने हैं आपको। फर्स्ट वाला देखिए, तो यहाँ लिखा है ए पैरेलल टू बी, देन ए इक्वल्स टू 5, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, इफ टू पैरेलल लाइंस are cut by a transversal each pair of corresponding angles are equal, each pair of corresponding angles क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये दो पैरेलल लाइंस है और उनको जो ट्रांसवर्सल कट करती है, तो ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल, यानी एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, 5 का है ये, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, मैं लिखता हूँ, मैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको, कि 1 और 5 करस्पॉन्डिंग है, 2 और 6 करस्पॉन्डिंग है, 4 और 7 करस्पॉन्डिंग है, 3 और 8 करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ओके। तो सेकेंड, ठीक है, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6 है, एंगल 4 और 6 कहाँ है, देखो ये 4 और 6, तो ये क्या आपके, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। इफ टू पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल
cut the lines, then their alternate interior angles are सेम. इसका मतलब कौन से ऑल्टरनेट इंटीरियर है? 4 और 6 और 3 और 5. यानी एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6 और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5. नाउ एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5. दिस आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, थर्ड वाला क्या है? थर्ड दिया आपको कि 4 प्लस 5 180 है. एंगल 4 प्लस एंगल 5 जो है आपका 180 है. तो 4 और 5 देखते कहाँ है. ये 4 है और ये 5 है, तो इन दोनों का एडिशन क्या है आपका? 180 है. और क्यों 180 है? क्योंकि ये दोनों कैसे एंगल्स हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स है. ठीक है, यानी हम यहाँ बोल सकते हैं दिस टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए. इसलिए दोनों का सम क्या है आपका? एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 और एंगल 3 प्लस एंगल 6 भी क्या आपका 180 है. मैं लिख देता हूँ एंगल 3 और एंगल 6 का भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा. ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, क्वेश्चन दिया आपको फर्स्ट द पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स. The pair of corresponding angles. ठीक है, सेकेंड पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है अपना? पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल. ठीक है, फोर्थ क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल. ठीक है, तो आपका जहां पे 4 क्वेश्चन है और एक जो है फिगर ड्रॉ कर लेते और फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, फोर वन टू थ्री फाइव सिक्स सेवन और एट. ठीक है, तो ये आपका सी है जो ट्रांसवर्सल है और ये ए है और ये बी है. ए और बी आर द टू पैरेलल लाइंस इन विच सी इज द ट्रांसवर्सल विच कट द टू पैरेलल लाइंस. ओके, तो आपको यहाँ पे जो है 4 क्वेश्चन है, इनको सॉल्व देखते हैं क्या करना है, आंसर करना है इनके. ओके, पहला क्वेश्चन क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स बताने आपको. तो कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल? 4 और एंगल 8. ठीक है, तो कौन से पहले एक एक करके देखते हैं. 1 5 पेयर्स बनाने. देखो एंगल 1 है, एंगल 5 है. ठीक है, एंगल 1 एंगल 5, एंगल 2 एंगल 6, एंगल 2 एंगल 6 है. उसके बाद एंगल 4 एंगल 8 है, एंगल 4 एंगल 8 है. उसके बाद 4 और 8, 1 और 5, 3 और 7, एंगल 3 और एंगल 7 है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और 2 और 6 भी हो गया. तो कितना हो गया? 1 2 3 4 हो गए. ठीक है, नेक्स्ट सेकंड आंसर. अभी कौन सा एंगल बोला है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताना है आपको. तो 3 और 5 और 2 और 8. तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5 और एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 8. These are the alternate interior angles. बराबर है? थर्ड आंसर. उसके बाद में आपको बोला है कि इंटीरियर हो गया आपका. एक मिनट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो एक ऑल्टरनेट इंटीरियर था और एक इंटीरियर एंगल कौन से है?
इंटीरियर एंगल कौन से है देखो, 1, 3, 3, 8, 2, 5 ऑल द इंटीरियर एंगल्स, 3, 8 एंगल 3, एंगल 8 और एंगल 2 एंड एंगल 5, ये इंटीरियर एंगल्स है, ये ऑल्टरनेट है और ये इंटीरियर है, याद रखना है। फोर्थ आंसर आपको पूछा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से है, तो वर्टिकली कौन से होते हैं, 8 और 6, 5 और 7, एंगल 8 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, और दूसरा क्या है आपका 4 इक्वल्स टू 2 है, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2 है, और नेक्स्ट केस है आपका एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 है, ठीक है, दीज आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन 3 क्या है, P इज पैरेलल टू क्यू है, फाइंड, आपको पूछा है कि फाइंड करना है आपको, एक एक सॉल्व करना है, ठीक है, तो यहाँ पे पहले फिगर बना लेते हैं, ठीक है, ओके, सो ये है आपका E, ये है एफ, ये है 125 डिग्री, ए बी सी और डी, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ओके, अब जो ट्रांसवर्सल है वो पी और क्यू है, तो पी एंड क्यू, नो पी एंड क्यू आर द टू पैरेलल लाइंस इन विच, ये है जो ये जो लाइन है आपकी जो है ट्रांसवर्सल है, ओके, तो आपको बताना है ई एफ ए बी सी डी के वैल्यूज क्या हो गए, तो आपको जो प्रॉपर्टीज है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इनका यूज करके आपको इन सब के आंसर्स करने हैं, ठीक, यहां देखो ये वाला जो पेयर है पूरा वाला, ये कितना आपका 180 है, यानी 125 प्लस एंगल एफ इक्वल्स टू 180, और क्यों है लीनियर पेयर, क्यों है ये लीनियर पेयर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एंगल एफ विल बी 180 माइनस 125, तो एंगल एफ कितना हो जाएगा 55 डिग्री, बराबर है, तो एंगल ये कितना हो जाएगा हमारा 55 डिग्री, अब ये अगर 55 है तो ये भी कितना होगा 55, क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी एंगल ई इक्वल्स टू एंगल एफ है और क्यू है वर्टिकली अपोजिट एंगल, देयरफॉर एंगल ई भी कितना हो जाएगा हमारा 55 डिग्री हो जाएगा, बराबर है, ठीक है, उसके बाद अब ये हो गया, अब यहां देखो एफ और डी इन दोनों का सम क्या है आपका 180 है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि एंगल एफ और एंगल डी वो होता है आपका 180 क्यू इंटीरियर एंगल, ठीक है, तो यहाँ पे कितना है आपका F 55 है, यानी 55 प्लस एंगल D विल बी 180 है, नाउ एंगल D विल बी 180 माइनस 55, तो एंगल D कितना हो जाएगा 125 डिग्री, बराबर है, ठीक है, D हो गया, अब D हो गया तो B भी निकाल सकते हैं क्योंकि वर्टिकल अपोजिट है, तो एंगल D जो है वो एंगल B है, क्यू वर्टिकली अपोजिट एंगल, देयरफॉर एंगल बी कितना हो जाएगा आपका 125 डिग्री, उसके बाद ए और सी आपको फाइंड करना है, तो ए प्लस बी कितना है 180 डिग्री है, बराबर है, तो ए प्लस बी जो है यानी एंगल ए और एंगल बी जो है वो 180 है, तो एंगल ए प्लस 125 इक्वल्स टू 180, नाउ एंगल ए कितना हो जाएगा 180 माइनस 125, तो एंगल ए कितना हो जाएगा 55 डिग्री, बराबर है, ठीक है, ए हो गया आपका 55, तो ए और सी आपका इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो यहां लिख सकते हैं हम कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी जो है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल,
देयरफॉर एंगल सी कितना हो जाएगा आपका 55 डिग्री हो जाएगा, समझे क्या? ठीक है, इजी था, बस आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इन्हीं का यूज करना है और वो जो है आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन 4 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स आपको यहां पे डायग्राम दिया है, दो पैरेलल लाइंस है यहां पे और एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो क्या क्या दिया आपके, 110 दिया है, यहां आपको x दिया है, यहां आपको l दिया है और यहां पे आपको m दिया है और यहां आपको दिया है t, बराबर है। t इज द ट्रांसवर्सल व्हिच कट द टू पैरेलल लाइंस l और m। अब यहां देखो आपको ये पूछे एंगल्स पूछे हैं, ठीक है, तो आप क्या करो, सबसे पहले देखो यहां पर हम एक एंगल मान लेते हैं, ठीक है, हम एक एंगल कंसिडर कर लेते हैं y, तो अब यहाँ देखो एक 110 प्लस y कितना हो जाएगा 180 लीनियर पेयर, यानी 110 प्लस y कितना हो जाएगा आपका 180, यहाँ हम बोल सकते हैं क्योंकि वो लीनियर पेयर है, ठीक है, लीनियर पेयर है, तो y कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस 110, तो y विल बी 70, बराबर है, y कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। अब y 70 है तो x भी 70 है, क्यों, क्योंकि एंगल y इक्वल टू एंगल x है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बराबर है, देयरफॉर एंगल x कितना हो जाएगा हमारे पास 70 हो जाएगा, यस, ठीक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, डायग्राम बनाते हैं, ये एल है, ये एम है, ये एक्स है, ये टू एक्स है, ये टी है, ओके। So, L and M are the two parallel lines in which the T is the transversal. ठीक है, तो आपको जो है X का वैल्यू बताना है, तो आप यहाँ देखो X plus 2X कितना होगा आपका 180 होगा, क्यों, linear, sorry, alternate angle, alternate नहीं, linear angle, तो X plus 2X will be 180 degree, तो आप यहाँ लिखोगे क्या, interior angle, तो x plus 2x, 3x equal to 180, now x will be 180 by 3, तो x will be कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 degree, okay, simple, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हो गया हमारे पास 4, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्या है वो, इन द फॉलोइंग फिगर डिसाइड वेदर एल इज पैरेलल टू एम, ठीक है, यानी आपको फिगर दिया है और आपको एंगल्स भी दिए होंगे, तो आपको बताना है कि L पैरेलल है M का कि नहीं, और वो कब पता चलेगा, जब हम ये चेक करेंगे कि वो एंगल्स प्रॉपरली हो पा रहे हैं कि नहीं, जैसे कि एक
फर्स्ट वाला फिगर ड्रॉ करते हैं, क्लियर हो जाएगा। अब ये दो लाइंस है और एक एंगल है ट्रांसवर्सल, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में आपको पैरेलल दे रहा था और इस बार पूछ रहा है वो, तो ये एक मिनट, ये है 125 डिग्री, ये है 44 डिग्री, ठीक है, ये है L और ये है आपका M और ये है आपका N, ओके। तो L, N, M आर द टू पैरेलल लाइंस, ये आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है तो क्या होगा, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए आपका, 180 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स है, यानी इसका मतलब ये है कि एक मिनट, ये आपका दिया है 126 डिग्री, ठीक है, ओके। नाउ 126 प्लस 44 कितना होता है, ये 10, 126 और 44 ये हो गया आपका 10 और एक साथ 170 हो रहा है, 170 हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल नहीं है। देयरफॉर लाइन M, लाइन L इज नॉट parallel to line M, okay? अगर इन दोनों का सम 180 आता तो हम बोलते हैं कि वो parallel है, लेकिन अब वो parallel नहीं है, ठीक है? Next question, कोई ये question one था, question two करते हैं, तो draw कर लेते पहले। ये तो वैसे ही पैरेलल नहीं दिख रहे मेरे को, ये 75 है और ये 75 है, ठीक है। तो 75 प्लस 75 कितना हो रहा है यहाँ पे, देखो 75 प्लस 75 विल बी 150 हो रहा है। इसका मतलब जो है ये लाइन L और ये M है, तो लाइन L और M जो है वो पैरेलल नहीं है, ठीक है, नॉट पैरेलल। लाइन और L और M पैरेलल नहीं है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, ये दिख रहे हैं पैरेलल हमको, ठीक है, सो यहां पे दिया आपका 57 डिग्री, ये L है, ये M है और ये N है और ये आपका दिया 123 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए आपका, 180 होना चाहिए, और ये कौन सा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर है, यानी 57 प्लस 123 डिग्री, तो कितना हो रहा है, 123 और 57 ये हो गया 10, 8 और 1, यस बिल्कुल 180 हो रहा है। सम इसका सप्लीमेंट मतलब 180 हो रहा है। इसका मतलब लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, यानी हम बोल सकते हैं कि L L parallel to M, okay? इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या है वो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया आपको 98 और यहाँ दिया आपको 72 डिग्री, ये L है, ये M है और ये N है, ठीक है। तो N एक ट्रांसवर्सल है और वो बताना है कि L और M पैरेलल है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 98 और 72 देख लो आप एडिशन करके, यानी 98 प्लस 72 कितना आ रहा है, ये 170 डिग्री आ रहा है। देयरफॉर लाइन L is not
पैरेलल टू लाइन एंड, ठीक है, यानी एडिशन अगर 180 आता है तो वो पैरेलल है, एडिशन 180 नहीं आता है तो वो पैरेलल नहीं है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू।